सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। राम रहीम दी पैरोल हुई खत्म, अज जा भलके जेल वापस जा सकता है राम रहीम। यूपी दी बागपत आश्रम च रह रहा सी राम रहीम। सूचना ते जनसंपर्क विभाग वालों मीडिया कर्मियों दिए गए हैं मौदे प्रेस एक्रीडेशन कमेटी का किया गया गठन। पदम श्री जगजीत सिंह दर्दी बने कमेटी के चेयरपर्सन। देश के सब तो वड्डे सरकारी हस्पताल दिल्ली एम्स का सर्वर डाउन, मरीजों की रजिस्ट्रेशन और सैंपल लैण का काम बंद। सर्वर डाउन का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय को पुज्या। चाली दिन की पैरोल खत्म होने तो बाद अज जा भलके राम रहीम जेल वापस जा सकते हैं। पैरोल के दरमियान राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम विच रह रहे थे, जिसके चलते दो दिन पहला ऑनलाइन सत्संग भी खत्म कर दिए गए ने। साधवी यौन शोषण मामले में डेरा मुखी सुनारिया जेल में सजा कट रहा है, तो हुण पैरोल खत्म होने तो बाद राम रहीम मुड़ सुनारिया जेल में जाएगा। यह भी दस दिए कि राम रहीम वालों पैरोल दौरान पटीशन भी पाई गई। सूचना और जनसंपर्क विभाग चंडीगढ़ वालों जारी हुक्मों तहत विभाग के सूचना अधिकारी आईएएस विनोद पी कावले वालों प्रेस एक्रीडेशन कमेटी का गठन किया गया है, जिस विच रोजाना चढ़दी कला अखबार के मुख संपादक ते दारा चढ़दी कला के चेयरमैन पदम श्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी नूं कमेटी का चेयरपर्सन चुनिया गया। दस दिए कि विभाग वालों नामी पत्रकारां ते मीडिया कर्मियों नूं इस दे मैंबर बनाया गया। देश के सब तो वड्डे सरकारी हस्पताल दिल्ली एम्स का सर्वर डाउन है। सर्वर विच गड़बड़ी कारण हस्पताल च मरीजों की रजिस्ट्रेशन अते सैंपल लैण का काम बंद पे है। एजेंसियां ने साइबर हमले की संभावना भी जताई है। इस मामले की जांच लई केंद्रीय साइबर एजेंसियां मौके ते पहुंच गईयां ने। दूजे पासे सर्वर डाउन का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय कोल पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक सिस्टम पूरी तरह तो बाहर ते एजेंसियां इस नूं मुड़ चालू करन की कोशिश कर रही ने। नैशनल इनफॉर्मैटिक सेंटर के मुताबिक यह एक रैनसमवेयर वायरस अटैक हो सकता है, इस कारण हस्पताल में इंटरनेट बंद है, तो सारा काम हथीं किया जा रहा है। तुहानू दस दिए कि एम्स के सर्वर से बहुत ही संवेदनशील जानकारी रहती है। इतने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रियों ते होर प्रमुख व्यक्तियों के सेहत के अंकड़े रहते हैं। इस मामले में साइबर क्राइम एजेंसियों को भी घेरिया गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान बीबी जगीर कौर का हलका उड़मुड़ टांडा पहुंचन से श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के हलका इंचार्ज के उगे समाज सेवी मनजीत सिंह दसूहा की अगुवाई में अकाली आगुआं ते वर्करां वालों भरवां स्वागत ते सन्मान किया गया। इस मौके ग्रेट पंजाब सैलीब्रेशन विखे भरवे इकट्ठ नूं संबोधन करदे बीबी जगीर कौर ने मनजीत सिंह दसूहा ते उन्हां दे साथियों का धन्यवाद करदे कहा कि श्रोमणी अकाली दल नूं बचाउण लई बादल दल ते बादल परिवार तो मुक्त कराउणा समय की मुख लोड़ है। इसलिए श्रोमणी अकाली दल के सिद्धांतों ते पहरा देण वालियां सारियां पंथक जथेबंदियां नूं इक प्लेटफार्म ते इकट्ठे होकर श्रोमणी अकाली दल नूं मुड़ सुरजीत करन लई निष्काम मेहनत की लोड़ है। पछमी बंगाल विच हावड़ा दे एक सरकारी स्कूल विच हिजाब अते भगवें स्कार्फ नूं लैके दो विद्यार्थी गुटां विच टकरा हो गया। विवाद इन्ना वध गया कि स्कूल विच चल रही प्रीख्या रद्द करनी पई। हावड़ा दे धूलागढ़ च तनाव तो बाद रैपिड एक्शन फोर्स नूं तैनात कर दिता गया। इस तों पहलां जनवरी च करनाटक च हिजाब नूं लैके विवाद शुरू होया सी। दरअसल कुछ विद्यार्थियों ने हिजाब पा के प्रीख्या दी सी ते होर विद्यार्थियों के एक ग्रुप ने इस ते इतराज किया ते उन्होंने प्रीख्या दौरान इस नूं ना पहनण लई कहा। इस तों बाद कुछ विद्यार्थियों ने भगवान शिव के ग्राफिक्स वालियां टी शर्टा पा के भगवा स्कार्फ पा के विरोध करना शुरू कर दिता। कुछ विद्यार्थियों ने मांग की कि उन्होंने भी उस तरह भगवें स्कार्फ नाल अंदर जान दिता जाए जिवें होरना कुड़ियां नूं हिजाब पहनने की इजाजत दी जाती है। मामला इन्ना वध गया कि विद्यार्थियों ने स्कूल में भनतोड़ करनी शुरू कर दी। इस तों बाद प्रीख्यावां मुलतवी कर दी गई।
साउथ सुपरस्टार कमल हसन नूं लैके इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है कि उन्हां दी सेहत ठीक नहीं है, जिस कारण उन्हां नूं बीते दिन श्री रामचंद्र मेडिकल सेंटर च भर्ती करवाया गया। खबरां मुताबिक उन्हां नूं रेगुलर हैल्थ चैकअप लई हस्पताल च भर्ती करवाया गया। फिलहाल अदाकार की हालत थोड़ा सुधार हो रहा है। दस्सिया जा रहा है कि हैदराबाद तो चेन्नई पहुंचे कमल हसन ने बेचैनी ते बुखार की शिकायत महसूस की थी, जिस तो बाद उन्हां नूं शहर के एक निजी हस्पताल विच दाखिल करवाया गया। डॉक्टरों ने उन्हां नूं अगले कुछ दिनों लई पूर्ण आराम करन दी सलाह दी। हिसार नेड़े सिवानी मंडी विच होए एक धमाके च नगर पालिका दे एक कर्मचारी मोहित उर्फ मोनू दी मौत हो गई है ते कई जख्मी होए ने। मिली खबर दे मुताबिक सिवानी प्रशासन दे अधिकारी अपने स्टाफ नाल नजायज पटाके बनाउण वाली एक फैक्ट्री तों बीते दिन जब्त किए पटाकियां नूं नष्ट करन लई रुपाणा रोड ते सितुकत फैक्ट्री विखे पहुंचे सन। पटाके नगर निगम दे ट्रैक्टरां ट्रालियां विच रख के लियांदे गए सन। एक टोए विच दबदिया ही इन्हां च धमाका हो गया। धमाका इन्ना जबरदस्त सी कि दो ट्रैक्टरां दे परखचे उड़ गए, जदों की दो मोटरसाइकिल सड़ के सवाह हो गए। मौके से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार ते थाना इंचार्ज दीआं कारां ते एक जेसीबी मशीन नूं नुकसान पहुंचे है। धमाके च नगर पालिका दे कर्मचारी मोहित उर्फ मोनू दी मौके ते ही मौत हो गई। उधर लुधियाना च कई थावां ते आमदन टैक्स विभाग की टीम वालों छापेमारी किए जाने की खबर सामने आई है। दस्सिया जा रहा है कि टीम वालों जिले दीआं मशहूर थावां ते छापेमारी की जा रही है। जिन्हां थावां ते छापेमारी हो रही है उत्थे आस पास भी हफड़ा दफड़ी वाला माहौल बनिया हुआ। उत्तराखंड के मदरसों में ड्रेस कोड लागू होगा, इस गल की जानकारी वक्फ बोर्ड के प्रधान शादाब शम्स ने दी है। उन्हें दसिया है कि असं उत्तराखंड में मॉडर्न मदरसों का विकास करना चाहते हैं। मदरसों में ड्रेस कोड लागू करन नाल ही सत मदरसों को मॉडर्न बनाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के प्रधान शादाब शम्स ने कहा है कि इस संबंधी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ते इसे जल्दी तो जल्दी लागू करने की कोशिश की जाएगी। वक्फ बोर्ड के प्रधान शादाब शम्स ने कहा है कि ड्रेस कोड शुरू च अगले अकादमिक सैशन तो इसके अधिकार खेत्र च आने वाले 103 मदरसों चो 7 मॉडल मदरसों च लागू किया जाएगा। इस पड़ावार तरीके बधाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि अजे ड्रेस कोड को अंतिम रूप देना बाकी है, पर छेती ही कर लवांगे। हिमाचल के पहाड़ों से लंघे हफ्ते की बर्फबारी का असर हुण मैदानी इलाकों से दिसण लग्या। गुआंढी सूबे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ते दिल्ली के ज्यादातर शहरों का घट्टो घट तापमान 10 डिग्री तो हेठां आ गया। उधर हिमाचल के पहाड़ों नालों वध सर्दी मैदानी इलाकों च पै रही है। ज्यादातर मैदानी इलाकों च घट्टो घट तापमान आम नालों 1 तो 4 डिग्री सैलसीयस तक हेठां आ गया। इस नाल सवेर ते शाम के समय ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा वर्गे गर्म शहरों च शिमला, कुल्लू ते किन्नौर नालों ज्यादा ठंड पै रही है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर च मौसम की सब तो ठंडी रात दर्ज की गई, जिस तापमान डिग के 0.8 डिग्री सैलसीयस तक पहुंच गया। पाकिस्तान की एक अदालत ने वह पटीशन रद्द कर दी है जिस विच सरकार नू पैदल हज करन दे चाहवान 29 साल भारतीय नागरिक नू वीजा देने की बेनती की गई सी। व्यक्ति हज लई पाकिस्तान के रस्ते पैदल साउदी अरब जाना चाहता सी। केरल का रहने वाला शिहाब भाई अपने गृह राज तो रवाना होया सी। पिछले महीने वह करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय करके वाघा बार्डर से पहुंचा सी, पर वाघा बार्डर से पाकिस्तान के इमीग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया क्योंकि उस को वीजा नहीं सी। बेंच ने कहा कि पटीशनकर्ता भारतीय नागरिक नाल संबंधित नहीं है ते ना ही उस को अदालत तक पहुंच करने लई पावर ऑफ अटर्नी सी। अदालत ने भारतीय नागरिक के बारे पूरी जानकारी भी मंगी है जो पटीशनकर्ता नहीं दे सकिया। इस तों बाद अदालत ने पटीशन रद्द कर दी। उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर की जिला जेल च बंद 26 कैदियों की HIV रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। जेल के एक अधिकारी ने इस बारे जानकारी दिंदे दस्सिया है कि जेल में कैंप लगा के जांच तो बाद यह गल सामने आई। इस विच सारे कैदियों के हर तरह के टेस्ट हुए, जिस विच पता लग्या कि 26 कैदी HIV तो पीड़ित ने, जिसका लोड़ींदा इलाज शुरू कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने दस्सिया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने तो बाद इन सारे कैदियों का इलाज जिला हस्पताल सैक्टर 30 के एंटी रैट्रोवायरल थैरेपी सेंटर में शुरू कर दिया गया। इस बारे सारियां सूचित किया गया। नोएडा तो पहला गाजियाबाद तो भी अजिहा ही मामला सामने आया सी। जदों इत्थे कैदियों का टेस्ट होया तो 140 कैदी HIV पीड़ित पाए गए सन। यह जानकारी डासना जेल के सुपरटेंडेंट ने दी सी।
इंडोनेशिया के पछमी जावा सूबे के सियान जूर च बीते दिन आए 5.6 तीव्रता वाले भूचाल च मरण वाले की गिनती लगातार वधदी जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड मुताबिक इस तबाही विच हुण तक 271 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय आफत एजेंसी ने दसिया कि भूचाल तो बाद 151 लोग लापता ने, जदों की 1083 जख्मी ने जिन्हों हस्पताल च दाखिल करवाया गया। अधिकारियों ने भी दसिया कि 300 तो वध लोग गंभीर जख्मी हुए ने, पर इस सब दे विचकार एक चंगी खबर यह है कि एक 6 साल के बच्चे नू मलबे विचों जिंदा बाहर कढ़ लिया गया। फिलहाल बच्चा हस्पताल च दाखिल है ते उसका इलाज जारी है। बच्चा करीब 3 दिन मलबे विच जिंदा रहा। अमरीका विच करवाए गए एक संखेप अध्ययन मुताबिक कोविड 19 इन्फेक्शन तो बाद बच्चों विच स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। खोज की रिपोर्ट इस हफ्ते पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी रसाले विच प्रकाशित हुई है। इस खोज विच हस्पताल विच भर्ती 16 मरीजों के मेडिकल चार्ट डायग्नोस्टिक प्रक्रियावां की समीक्षा की गई, जिन्होंने मार्च 2020 तो जून 2021 दरमियान खून का प्रवाह घट होने नाल दौरा पिया। इन्हां विचों ज्यादातर मामले बच्चों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के केस तेजी नाल सामने आने के कुछ ही दिन बाद फरवरी ते मई 2021 दरमियान आए सन। इन्हां विच लगभग अद्धे नमूनिया विच जांच विच इन्फेक्शन का पता लग्या। उन्होंने कहा कि कुल मिला के बच्चों विच दौरा पैण का खतरा घट हुंदा है, पर कोविड तो बाद दुर्लभ पर असली जोखम हुंदा है। दिल्ली च स्थित अमरीकी दूतावास दीआं 4 महिला अधिकारी ऑटो चला के दफ्तर जांदियां ने। खास गल है कि इन्हां ने सरकार तो मिलियां बुलेट प्रूफ गड्डियां भी छड़ दित्तियां ने। एनल मैसन, रूथ हॉलमबर्ग, श्रिनिजे किटरमैन ते जेनिफर दा कहना है कि ऑटो चलाउणा मजेदार ही नहीं सगों एक मिसाल है कि अमरीकी सीनेटर भी आम लोगों वांग ही ने। गलबात विच एनल मैसन ने कहा कि उसने कदे भी क्लच वाली गड्डियां नहीं चलाईयां, हमेशा ऑटोमैटिक कार ही चलाउंदी है, पर भारत आके ऑटो चलाना एक नवा तजर्बा। ग्लोबल बाजारों में मजबूती दरमियान शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 124 अंक चढ़ के 61,600 के अंकड़े को पार कर गया। निफ्टी में भी वाधा दर्ज किया गया। इस दौरान बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 124.35 अंक चढ़ के 61,634,93 अंक ते पहुंच गया। इसे तरह नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी शुरुआती कारोबार में 38 अंकों के वाधे 18,305,025 से कारोबार कर रहे। अमरीकी मुद्रा उच्च पद्धरां तो डिगण कारण शुरुआती कारोबार विच अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे मजबूत होकर 81.67 रुपए से पहुंच गया। अंतरबैंक फॉरैक्स बाजार च रुपया डॉलर के मुकाबले 81.72 रुपए से खुलिया, फिर डॉलर के मुकाबले 81.67 रुपए के पद्धर से पहुंच गया। इस तरह स्थानक मुद्रा ने अपनी पिछली बंद कीमत नालों 26 पैसे का वाधा दर्ज किया गया। बीते दिन रुपया 18 पैसे की गिरावट नाल 81.85 रुपए प्रति डालर से बंद होया। इस दौरान 6 प्रमुख मुद्रावां की टोकरी के मुकाबले अमरीकी डालर की स्थिति मापदंड डॉलर सूचकांक 0.41% डिग 105.63 रुपए से आ गए। न्यूजीलैंड खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज जीतने तो बाद भारतीय टीम हुण वनडे सीरीज लई पूरी तरह तैयार है। हुण टीम इंडिया दीआं नज़रां वनडे सीरीज अपने नाम करन ते होणगीआं। भारत न्यूजीलैंड विचाले वनडे सीरीज भलके शुरू हो जाएगी। शिखर धवन वनडे च भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आउणगे। अजिहे च कल दे इस टकराव तो पहलां असीं तुहानूं दस्सांगे कि तुसीं इह मैच कदों ते कित्थे देख सकोगे। तुसीं डीडी फ्री डिश कनैक्शन दे नाल नाल घरां विच डीडी स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स चैनलों से इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते। अरे हुण नजर मार दें अज के मौसम के हाल के बाद।
इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।